श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी व अन्य घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के खिलाफ लुधियाना की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसकी सुनवाई 1 नवंबर को होगी। ऐसे है, जो मेरा क्लाइंट है जगदीप सिंह गिल, उसने जे बरगाड़ी कांड के जो फायरिंग हुई थी उसके खिलाफ किया है। इस केस के अंदर अपना श्री प्रकाश सिंह बादल और उन सुखबीर सिंह बादल जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम थे, उनके ऊपर केस ये किया गया है जेर दफ़ा 304, 307, 295 और 34 आईपीसी की धारा के अधीन दर्ज किया गया है। ये क्रिमिनल कंप्लेंट जो थी वो श्रीमती सुमित सबरवाल जेएमआईसी लुधियाना की अदालत में बदली गई थी, ट्रांसफ़र की गई थी। उसमें वहाँ पर आज कंप्लेनेंट सुख जगदीप सिंह गिल के बयान दर्ज अदालत ने किए हैं। अब अगली तारीख 1/11/2018 पड़ी है, उस दिन बाकी गवाह जो जगदीप सिंह गिल के इस केस के हैं उनके बयान दर्ज किए जाएं। आज मैं हमने यहाँ पर साडा जो फ्रंट है समाजिक जागृति फ्रंट, में उसका चेयरमैन है। आज असी लुधियाने में अदालत में अपने वकील उप्पल साहब के नाल जाके मैं जो सानू धर्म के लिए गुरु ग्रंथ साहिब के लिए ठेस पहुँची आ, मैं आपके अज अदालत के बयान दर्ज करवाए आ। वो अगली तरीक देखिए, आज से 3 साल पहले 10 नवंबर 2015 को बरगाड़ी में जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेअदबी हुई थी, तब की सरकार चाहे प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी, तब चाहे अब आज कैप्टन सरकार की, इन्होंने कमीशन भी बैठाए। पैसे पहले जोरा सिंह कमीशन बैठा था, चाहे उसके बाद में रणजीत सिंह कमीशन के बैठा, विधानसभा में इसकी कॉपियाँ भी पेश की, अभी तक किसी तक कोई सजा नहीं दिलाई गई। उसके खिलाफ आज हमने हमारे जागृति फ्रंट वाले पे इसके वहाँ बीच सियासत नहीं खेलते, लेकिन नहीं लेकर आएंगे। हम नहीं, जो हम सिख मुद्दों की बात कर रहे हो, हम एज ए सिख होने के नाते हमने आज लुधियाना की माननीय अदालत में एक केस दायर किया, जो इसकी आज हमारे बयान तलब किए हैं। तो उसकी जो अगली तारीख है वो 1 नवंबर 2018।